हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फिनांस का पेपर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दो पेपर इंटरनेशनल फिनांस के, जो कि आपके इंटरनेशनल फिनांस का जो पेपर है, जो कि एमकॉम फोर सेमेस्टर के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि जब हम दो तीन पेपर देख लेते हैं तो उससे एग्ज़ाम की हमारी काफ़ी अच्छी प्रेपरेशन हो जाती है। तो देयर आर थ्री सेक्शन। तो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट सिस्टम एज वी हैव टुडे हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आपने बताना है कि क्या क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम जो थे उसकी बारे में बताना है। फिर उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और ये यूज़फुल क्यों है, जिसके लिए हमें एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों देखना चाहिए। फिर है कौन से फैक्टर्स जो हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके फीचर भी जो है उसके बारे में बताओ। राइट ए डिटेल नोट ऑन SAARC। तो यहाँ से आपको करने हैं टू क्वेश्चन। उसके बाद है सेक्शन बी। तो यहाँ पे है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट रेट पैरिटी फिशर फैक्ट, वाई कंपनीज डू इशू GDRs, कंपेयर एंड कंट्रास्ट EDR एंड GDRs, कंपेयर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपोजर ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक, वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, हाउ डज एन MNC डिटर्मिन इन इट्स क्रेडिट पॉलिसी। तो यहाँ से भी आपको करने हैं टू क्वेश्चन। और सेक्शन सी जो है डैट इज़ ए कंपल्सरी क्वेश्चन, तो जिसके अंदर से आपको करने हैं 10 गोल्स ऑफ इंटरनेशनल फिनांस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर डिफरेंस, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ FDI इन ए कंट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन मॉनिटरी सिस्टम, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी का एब्सोल्यूट वर्जन क्या है, बेनिफिट क्या है ADR के, व्हाट रोल इज प्लेड बाय FII इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, वेरियस एक्सपोजर मैनेजमेंट टेक्निक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कैपिटल मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पेपर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास एक और इंटरनेशनल फिनांस का पेपर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर भी थ्री सेक्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर है 4 क्वेश्चन। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर इसको अपने सिलेबस के साथ मैच कर लीजिए। तो सेक्शन बी के अंदर भी आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। तो ये इसके कंपल्सरी क्वेश्चन है।